ना, जल्दी करो, ऑफिस से पहले साइट पे होके जाना। ठीक है ठीक है, मुझे दूध नहीं पीना है यार, चाय कहाँ है मेरी? चाय बनाने का टाइम नहीं, दूध पी लो, मुझे लेट हो रहा है। सुनो सुनो, दूध तो पीते जाओ। बोला ना यार मैं बाहर चाय पी लूंगा, मैं अभी लेट हो रहा हूँ। और सुनो, अनन्या को टाइम से स्कूल छोड़ दे। बाय बाय। बाय। मिस्त्री जी नमस्कार। नमस्कार कार्तिक बाबू, क्या प्लानिंग है आज की? प्लानिंग क्या, बस वो पीसीसी डालने की सोच रहे हैं। तो सोच क्या रहे हैं, डालिए तब, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। अरे राजू इधर आ। जी गुरुजी। अरे तुझे कितनी बारी कहा है कि मसाला बना। गुरुजी पीसीसी डालने से पहले आप चुटकू भाई साहब से पूछोगे नहीं? अरे वाह, तू तो बहुत होशियार निकला भाई, हैं? बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मैं अभी छुटकू साहब से बात कर लेता हूँ, हैं? हाँ मिस्त्री जी, अब नींव ठीक खुद ही है मार्किंग के हिसाब से, लेकिन क्या आपने मिट्टी की जांच करवाई है? मिट्टी की जांच? हमें कोई खेती वेती थोड़ी करनी है, मकान ही तो बनाना है। मिस्त्री जी घर बनाने के लिए तो और भी जरूरी है मिट्टी की जांच करवाना। साधारणतः हम अपने रहने के लिए जिंदगी में एक ही बार घर बनवाते हैं। हम ना केवल अपने रहने के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम हर चीज का ध्यान रखें। आखिर घर जमीन की मिट्टी से ऐसे ही जुड़ा है जैसे किसान की फसल। अगर मिट्टी के किसी दोष को हमने अनदेखा किया तो यह हमें आगे जाकर बहुत महंगा पड़ सकता है। अच्छा हुआ चुटकू साहब आप आ गए। मिस्त्री जी नींव खोदने और पीसीसी भरने से पहले भी एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखें। जी भैया बताइए, हमसे क्या छूट रहा है? आम तौर पर आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट उस एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार से नींव की गहराई और चौड़ाई तय करते हैं, तथा साथ ही यह भी बताते हैं कि नींव को तब तक खोदा जाना चाहिए जब तक मिट्टी की ठोस सतह ना मिल जाए, क्योंकि यहाँ तक नमी का असर नहीं रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरे एरिया में एक जैसी ही स्ट्रेस बियरिंग मिट्टी हो, कि आप जहाँ पर घर की नींव बना रहे हैं वहाँ कभी कोई गड्ढा रहा हो जो कूड़े से भर गया हो, या कभी कोई नाला या तालाब रहा हो जो समय के साथ भर गया हो। अगर हमने अपने घर की नींव डालते हुए मिट्टी की जांच नहीं कराई और उस एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी के हिसाब से ही नींव डाल दी, तो आने वाले समय में आपके घर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। उसकी दीवारों में दरार भी पड़ सकती है और वो गिर भी सकती हैं। जैसे यदि भराव वाली मिट्टी है तो बरसात के समय इसमें बहुत तेजी से नमी नीचे नींव तक पहुँच जाती है और उसके भार सहने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे नींव नीचे धस जाती है और दीवारों में क्रैक उत्पन्न कर देती है जो कि घर को गिरा भी सकती है। ठीक इसी प्रकार से जमीन के नीचे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वह अपने स्वभाव के अनुसार पीरियोडिक एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन के कारण नींव को हिला देते हैं और घर गिरने के कारण बनते हैं। इसीलिए हमेशा अपने घर के लिए अपनी जगह की मिट्टी की जाँच करा कर ही नींव की गहराई और चौड़ाई तय करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चुटकू भाई, मैं मिट्टी की जांच कराकर ही अपने घर की नींव डलवाऊंगा। कार्तिक बाबू ये तो बहुत अच्छी जानकारी है, हमें इसका जरूर उपयोग करना चाहिए।
एक बात है भाई, छुटकू साहब हैं बहुत समझदार। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन अब तो मैं भी मानने लग गया। स्त्री जी नमस्कार। कार्तिक नमस्कार। मिस्त्री जी ये लीजिए, मिट्टी की जांच रिपोर्ट के अनुसार नई ड्राइंग। अब इसी के अनुसार काम करना, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलूंगा। ठीक है कार्तिक जी। गुरुजी आप कभी प्रयोगशाला गए हैं? अबे प्रयोगशाला के चक्कर में मेरी पढ़ाई छूट गई थी। हुआ क्या था कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, एक दिन 10वीं कक्षा के टीचर ने मुझसे मेंढक मंगवाया प्रैक्टिकल के लिए। मैं मेंढक लेके आ गया, लेकिन गलती से मेंढक मेरी कक्षा में से कूद के बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे स्कूल से ही बाहर निकल गया और फिर कभी स्कूल नहीं आया और मेरी पढ़ाई छूट गई। धत तेरे की, अब समझ में आया क्या आप काम ना करने के बहाने क्यों ढूंढते हैं? क्या ये आपके बचपन की आदत है? अबे तू मेरी इज्जत नहीं करता क्या? गुरु इज्जत तो मैं बहुत करता हूँ आपकी। तो और छुटकू साहब कहाँ है? अरे छुटकू साहब, अभी बुला देता हूँ छुटकू साहब को। छुटकू साहब, अरे छुटकू साहब, छुटकू साहब कहाँ चले जाते हैं आप? कोई आपको सुने या ना सुने, मैं पूरी तरह सुनता हूँ और आपको ही फॉलो करता हूँ। छुटकू साहब मैं भी आपको ही फॉलो करता हूँ। आप देखिए ना, मिट्टी की रिपोर्ट के हिसाब से मैंने गहराई और चौड़ाई नींव की बदल दी। बहुत बढ़िया मिस्त्री जी, खैर जो हुआ अच्छा हुआ, आगे से आप ध्यान रखिए। आइए मैं आपको मिट्टी के बारे में बेसिक जानकारी दे दूं। आम तौर पर मिट्टी 5 प्रकार की होती है, सैंडी, क्लेई, ब्लैक कॉटन, रॉक एंड फिल्ड अप। और हर तरह की मिट्टी में भार सहने की क्षमता अलग अलग होती है। मिट्टी के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। पृथ्वी की सतह से गहराई जितनी बढ़ती जाएगी, साधारणतः मिट्टी की भार वहन क्षमता भी गहराई के हिसाब से बढ़ती जाएगी। साधारणतः पानी की नमी से मिट्टी की भार वहन क्षमता कुछ कम हो जाती है, इसीलिए अधिकतर भवनों की नींव जमीन से कम 4-5 फीट गहरी रखी जाती है, जिससे वर्षा में नमी का असर इस गहराई पर बहुत कम हो जाता है। ऐसी जमीन जहां पर पानी भरा रहता है, भार वहन क्षमता औसत से हमेशा कम होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें, आप जो जमीन के अंदर पानी का टैंक या सेप्टिक टैंक बनवाएं, वो पूरी तरह से मजबूत हो। ये भी ध्यान रखें कि उसकी कंक्रीट क्वालिटी बढ़िया हो, ताकि रिसाव के कारण मिट्टी ढीली ना पड़े। अक्सर देखा गया है कि इस टैंक में पानी के रिसाव के कारण भी मिट्टी की भार सहन क्षमता कम हो जाती है और बिल्डिंग में दरारें पड़ जाती हैं या गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लैक कॉटन सॉइल पर बिना एक्सपर्ट एडवाइस घर नहीं बनाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, नींव के डिजाइन में सबसे आवश्यक है इसकी चौड़ाई, जिसके द्वारा नींव पर आने वाले कुल बोझ को वह जमीन पर इस प्रकार फैला दे कि जमीन पर भार उसकी सहन शक्ति से अधिक ना हो। गुरुजी इसमें ईंट पत्थर डलवाकर कुटवाना शुरू करवा दें? ना भाई ना, जब तक छुटकू साहब नहीं कहते मैं पत्थर का एक टुकड़ा नहीं डालने दूंगा। मिस्त्री जी इतना क्यों सोच रहे हैं, इसमें पीसीसी डलवाकर कूट डालो। पीसीसी यानी जिसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। लेकिन पहले ये बताएं कि पीसीसी का रेशियो क्या रखेंगे? रे छुटकू साहब, हम तो 1:5:10 के अनुपात का बनाते थे, अब आप जैसा कहेंगे वैसा करने लग जाएंगे। हाँ आपने सही कहा, पीसीसी के लिए 1:5:10 या 1:4:8 यानी 1 भाग सीमेंट, 4 भाग मोरंग और 8 भाग गिट्टी का अनुपात ही सही होता है, और अधिकतर इसी रेशियो में पीसीसी बनाते हैं और उसे M7.5 ग्रेड का कंक्रीट भी कह सकते हैं। मिस्त्री जी आप बताएं कि पीसीसी कैसे बनता है और उसे कैसे डालते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है छुटकू साहब, पहले सूखा मसाला मिलाया और नींव में कुटवा दिया, उसके बाद चुनाई शुरू कर दी और जहां कॉलम पड़ता है वहां कॉलम डालना शुरू कर दिया। कूटने में जो कोई भी थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस होता है उसे प्लिंथ लेवल तक बराबर कर दिया। आप सही कह रहे हैं,
ज्यादातर मिस्त्री यही कहते हैं, मगर बेहतर तरीका यह है कि 1:5:10 या 1:4:8 मसाला बनाने के लिए रेशो को एक ही प्रकार के फर्मे या तसले का प्रयोग करना चाहिए। इस सूखे मसाले को पक्के प्लेटफॉर्म पर ही मिलाएं और तब तक मिलाएं जब तक उसका रंग एक समान ना हो जाए, और इसे मिलाने के लिए मिक्सर मशीन की हेल्प लेना ही एक बेहतर तरीका है। ध्यान रहे कि इस मसाले में मिलाए जाने वाले साफ पानी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, जिससे मसाला लगभग सूखा सा ही रहे। यानी कि एक सीमेंट बैग के मसाले में पानी की मात्रा 15 से 20 लीटर ही होनी चाहिए। अब इस लगभग सूखे मसाले को नींव में डालें और इसकी अच्छी तरह से कुटाई करें। कुटाई करते समय इसमें मिलाया गया पानी हल्का हल्का सतह तक आ जाएगा। यह दर्शाता है कि कुटाई के दौरान मिट्टी, मोरंग और सीमेंट के बीच की खाली जगह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसके बाद लेवल चेक कर लें और जहां जहां पर लेवल एडजस्ट करना है अभी और पीसीसी डालकर एडजस्ट कर लें। अब आप इस सतह पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छी पीसीसी की पहचान का एक तरीका और भी है कि जब इसमें पानी की तराई की जाती है तो यह पानी ऊपरी अनियमित सतह पर ही रहता है, जो कि इस बात की निशानी है कि यह पीसीसी पूरी तरह से ठोस है। कैसा रहा आज का दिन? हम तो बहुत लकी हैं जो छुटकू भाई हमारे साथ हैं, नहीं तो हम भी दूसरों की तरह शिकायत करते कि हमारी दीवार में दरार आ गई या टेढ़ी हो गई। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं इतनी इम्प्रेस हूँ ना छुटकू भाई से, सोच रही हूँ भैया को भी बोल दूँ कि लगे हाथे वो भी घर बनवा ले। ये तो बहुत अच्छी बात है, जो नॉलेज हमें छुटकू भाई से मिली वो हम उन्हें देंगे। क्यों बेटा? पापा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छुटकू अंकल ने मिस्त्री अंकल को बोला जब भी मेरी जरूरत पड़े सीमेंट की बोरी पे हाथ फेरना और मैं आ जाऊंगा। हाँ, मेरी सलाह और मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। अच्छा, तो इस एपिसोड में हमने क्या क्या सीखा एक बार दोहरा लें। नींव डालने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की जांच रिपोर्ट के अनुसार नींव की गहराई और चौड़ाई पुनः निर्धारित करें। ब्लैक कॉटन सॉइल पर बिना एक्सपर्ट एडवाइस के घर ना बनाएं। नींव में पीसीसी की अच्छे से कुटाई करें। नींव का काम शुरू करने से पहले पीसीसी का लेवल बेंचमार्क से पुनः सही कर लें। पीसीसी के लिए 1:5:10 या 1:4:8 यानी 1 भाग सीमेंट, 4 भाग मोरंग और 8 भाग गिट्टी का अनुपात ही सही होता है। पीसीसी की पानी से तराई करें। और अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह मसाला बनाया जाता है तथा कॉलम, फाउंडेशन बीम और प्लिंथ बीम डाली जाती है। तब तक के लिए नमस्कार।